राम राम मेरे सारे हरियाणा वाले भाइयों ने, जिन भाइयों का सीटी क्वालिफाई हो रहा है उन लोगों के लिए विशेष सूचना है। बिल्कुल बारीकी से बैठ के आराम से वीडियो को देखो और चीजों को समझो कि मैं क्या बताने का प्रयास जो है आप लोगों को कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे गुरुजी हैं जो आदरणीय हैं हमारे, और अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, कैसे जो है एडिटिंग करनी है, क्या क्या एडिट कर सकते हो, डेट बढ़ गई है, सिलेबस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन YouTube प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। देखो चीज़ ये है कि आपको नो जॉब, घर में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कुछ नंबर प्रोवाइड करवाती है, और उस वही नंबर तब मिलते हैं जब आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से आपकी कम होगी। और हरियाणा में भी फैमिली आईडी एक ऐसी चीज़ बनी है कि आपकी आज के समय पर, यानी कि अभी आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है और चुटकी बजाओगे, पलक झपकोगे, आपकी इनकम पता नहीं 2.5 लाख हो या फिर 5 लाख हो या फिर 6 लाख हो या फिर आपने फैमिली आईडी में करोड़पति बना दे। और इनकम बढ़ने के बहुत सारे पहलू हैं। आपने 2018 में, 19 में, 20 में, 17 में, 16 में कदे कोई ITR फिल करी थी? 2013 तक कई फैमिली आईडी मैंने ऐसी देखी हैं जिनकी 2013 की ITR उठा के उसकी इनकम 5 लाख कर दी गई है। पहले उसकी इनकम 75 से 1 लाख थी, पता नहीं अचानक उनकी ITR उठाई और उनकी इनकम जो है वो 2.5 से 5 लाख कर दी गई है। अब उसको नो जॉब के जो 5 नंबर या 2.5 नंबर जो मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे उसको। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और ये नहीं है कि इनकम बढ़ने का सिर्फ ITR ही एक सोर्स है। अगर आपका बिजली का जो बिल है वो 12,000 रुपये, पहले 9,000 रुपये था, अब थोड़ा बढ़ा दिया है, साल पूरे साल का अगर 12,000 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर बिल अगर आपका आ गया तो भी आपकी इनकम बढ़ा के ऑटोमेटिक 2.5 से 5 लाख कर दी जाएगी। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको कम करवाने में आपको पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम हो जाए। आपके घर में 4 पहिया का कोई साधन है, ITR रखी है, GST नंबर ले रखा है, बिजली का बिल हो गया, और भी बहुत सारे पहलू हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई एम्प्लॉई है जिसका PF कटता है, या फिर बहुत सारे चीज़ें हैं सर, ऐसी मैं बता नहीं सकता आपको हर चीज़ें बारीकी से डिटेल में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाओगी। बात कुल मिला के ये है कि आज के समय पर आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है आपकी फैमिली आईडी में तो आपको नो जॉब के जो भी नंबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे वे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी क्षण, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस क्षण भी काफ़ी सारी फैमिली आईडियो में इनकम 1,80,000 से ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे 2.5 लाख हो गई होगी और ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। वो एजुकेशन पर्पज का बनवाओ या अदर देन एजुकेशन पर्पज का बनवाओ, वो आपकी इच्छा है। और इसके लिए कहीं पे कोई धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सरदर्दी कौन लेगा, पटवारी के, तहसीलदार के, उस फलाने साइन करवाने हैं, नंबरदार के, सरपंच के, कुछ नहीं करवाना मेरे भाई। मोबाइल नंबर लेना है जो फैमिली आईडी में है और फैमिली आईडी लेनी है, बस अपने CSC सेंटर पर पहुंचो, अटल सेवा केंद्र पर पहुंचो और अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि कल आपकी इनकम 2.5 लाख होगी, 5 लाख होगी, 6 लाख होगी, 10 लाख होगी, आप फैमिली आईडी में करोड़पति बना दिए, उस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा आपके नो जॉब वाले नंबर पे। आप दिखा सकते हो कि इस तारीख से पहले ये मेरा इनकम सर्टिफिकेट है और इसमें मेरी इनकम 1,80,000 रुपये से कम थी जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद आपकी इनकम 2.5, 5, 10 कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा, आप उस प्रूफ को रख लो। फैमिली आईडी में किसी भी समय आपकी इनकम बढ़ सकती है। अगर आप लोगों को बातें समझ में आ गई हो तो यह वीडियो सभी उन भाइयों के पास जरूर शेयर कर दे हरियाणा में जिन भाइयों ने CET क्वालिफाई कर रखा है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन भाइयों का भी कुछ भला हो जाए। मत चलो फिलहाल, सारे भाइयों ने राम।